हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोली। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीरा किचन में। आज मैं आपके लिए सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी आलू के पकौड़े, बिल्कुल क्रंची, बिना सोडा के बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आपको बताते हैं ये स्वादिष्ट रेसिपी मैं कैसे बनाई हूँ। उससे पहले, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पर 1.5 कप बेसन ली थी और उसमें पानी मिलाकर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी मिलाकर आधा घंटे के लिए रेस्ट पर रख दे रही हूँ। जब तक वो रेस्ट हो रहा है, यहाँ आलू उबालकर मैं छील ली थी, इसको हाथ से ऐसे तोड़ ले रही हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, पूरी आलू टूट चुकी है। पैन रख दी थी, उसमें 3 चम्मच छोटे चम्मच तेल डाली, गरम हो गया। बस उसमें 1 चम्मच खड़ी धनिया, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मगरेल, आधा चम्मच जीरा डालकर, 2 हरी मिर्च डालकर ये आलू डालकर अच्छे से मिला लेंगे। लो फ्लेम पर आलू को अच्छे से भूनना है। यहाँ पर आलू को हम जितना अच्छा भूनते हैं मसाला, उतना ही अच्छा तैयार होता है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आधा चम्मच सारे छोटे चम्मच है, आधा चम्मच नमक हल्दी, 1 चम्मच नमक और लगभग 3 पिंच सब्जी मसाला और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी किशमिश और थोड़े कच्चे नारियल कटे हुए। अगर आप कच्चे नहीं डालना चाहते हैं तो आप सूखे वाले भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच यहाँ पर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला से इस मसाले में जान आ जाती है। अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मसाला मेरा बनकर रेडी हो गया है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। उसके बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये मसाला इतना स्वादिष्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बस इसकी ऐसे छोटी छोटी टिकिया बना कर रख लेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ये फूलने के बाद भी एकदम रनिंग कंडीशन में है। पैन रख दी थी, गरम हो गया है पैन। जब तेल एकदम गरम हो जाए, ये सरसों का तेल है, धुआं उठने लग जाए, तो आप ये देख सकते हैं आलू बॉल्स को ऐसे डिप करके बेसन में ऐसे डाल देंगे। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब मैं उसमें डाल रही हूँ, उसके बाद भी हाथ में को ऐसे उसी में रख रही हूँ, इसलिए ताकि जो हमारे हाथ में बेसन है उसी में छू जाए, ताकि अच्छी कोटिंग हो जाए। ये देखिए, पकौड़ी बनकर लगभग रेडी हो गए। उलट पलट कर आप लो फ्लेम पर अच्छे से पका लीजिएगा। ज़रा सा भी कच्ची न रहे, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे कलर में, बहुत ही अच्छी क्रंची बनकर तैयार हुई है। मैं सारी को निकाल ले रही हूँ। ये सब पकौड़ियाँ सरसों के तेल में भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए, बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं इसको टमाटो केचप के साथ, आप टमाटर धनिया की चटनी के साथ, और यहाँ पर मैं 3-4 मिर्च को भी उसी में तेल में काट ली थी। और इसमें काटने के बाद आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, इससे टेस्ट उसका और बढ़ जाता है। इन मिर्च और चटनी के साथ इस बरसात के मौसम में आप इस आलू पकौड़े को खाएंगे ना, तो मज़ा ही आ जाएगी। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से बिल्कुल क्रंची बने हैं। इसके मसाले को तो क्या ही कहना। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।